बटवारियां जिंदाबाद, दादे बटवारियां जिंदाबाद, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, छीन के लेंगे अपना हक, दादे मुलाजमीन जिंदाबाद, दादे मुलाजमीन जिंदाबाद, दादे मुलाजमीन जिंदाबाद, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। जी, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स, जिसमें 10 डिमांड्स हमने रखी हैं, वो सारी की सारी जेनुइन हैं, हम सब की सब मनवाना चाहते हैं, लेकिन उसमें से जो 4-5 डिमांड्स हैं वो ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी हैं। जैसे ग्रेड पे का हमारा इशू है, ये बड़ा पुराना चल रहा है, 2017 में गवर्नमेंट ने माना भी हुआ है, इसमें रिटर्न में भी दिया था, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, लेकिन आज तक उस कमेटी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद क्रिएशन ऑफ पटवार हलकाज एंड गिरदावर सर्कल्स, जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी तब तक प्रॉपर काम नहीं किया जा सकता, पटवारी ओवरबर्डन है बहुत ज़्यादा, तो क्रिएशन ऑफ पटवार हलका होंगे, ज़्यादा पटवारी होंगे तो पब्लिक के लिए भी सहूलत होगी और पटवारी के लिए भी सहूलत होगी। उसके बाद डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, ये बंद होनी चाहिए। और इसके बाद हमारा ये कंस्ट्रक्शन ऑफ पटवार खाना, जब तक सरकारी दफ्तर जब तक नहीं बनते हैं, गवर्नमेंट हमें रेंट पे बिल्डिंग लेके डेजिग्नेटेड करके दे देंगे, पटवारी यहाँ बैठेंगे, फिर गवर्नमेंट हमें चेक भी कर सकती है कि बैठे नहीं, तो अपनी मर्जी से किसी ने कमरा कहाँ लिया होता है, किसी ने कहाँ लिया होता है। और DPC ऑफ पटवारी एंड गिरदावर्स, जो 7 साल से नहीं हुई है, ना पटवारी की ना गिरदावर्स की, ये हमारे बर्निंग इश्यूज़ हैं। इसके अलावा हमें इसमें डिमांड्स कुछ रह गई हैं, जैसे हमारी ट्रांसफ़र पॉलिसी, क्लियर कट ट्रांसफ़र पॉलिसी, वक्त पर ट्रांसफ़र नहीं होती है, एज़ पर ट्रांसफ़र रूल्स नहीं होती है, वो हमारी चार्टर ऑफ डिमांड में नहीं है, वो भी हमारा एक मुद्दा है, वो रह गया है। और बाकी इशू हमारे सारे ही जेनुइन हैं। तो जैसे कि आपने देखा, पटवारियों की जो जेनुइन डिमांड्स को लेके यहाँ पे इनका एक प्रोटेस्ट चल रहा है, जिसके लिए इनके सीनियर्स जो हैं वो अंदर गए हैं स्ट्राइक के लिए, बट अब इनकी डिमांड्स क्या हैं, एक इन्होंने पूरे क्लियर कट तरीके से भी लिखा हुआ है, ये भी हम आपको बताना चाहेंगे। तो आप इस पर ज़रा फोकस करें, इनकी क्या क्या यहाँ पर इन्होंने बोला कि ग्रेड पे ऑफ 2800 फॉर ग्रेजुएट पटवारीज, उसके बाद इन्हेंसमेंट ऑफ ग्रेड पे ऑफ गिरद्वार, यहाँ पे जो भी इन्होंने अगले टाइमली DPC ऑफ पटवारीज, और क्रिएशन ऑफ GQ सर्कल्स, बैन ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार, और उसके रिगार्डिंग और भी आगे के लिए एनहेंसमेंट ऑफ यहाँ पे जो अलाउंस दिए जाते हैं फॉर पटवारीज एंड GQS के लिए, रेंट फॉर पटवार खान, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ पटवार जो इसके खान होते हैं, इनके डिपार्टमेंटल इंक्वायरी सेल, मीटिंग हॉल, ऑफिसर्स फॉर पटवार एसोसिएशन, ये सारी यहाँ पे जेन्युइन डिमांड्स हैं जो इन्होंने रखी हैं। और फिलहाल इनकी बातचीत तो चल रही है, आप देखें उस बातचीत का हल क्या निकल के आता है उनसे भी।